हेलो दोस्तों, हम इंटीजर का वर्कशीट 7 बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पुट द एप्रोप्रिएट साइन। दोस्तों इससे पहले से पहले से पहले कुछ मैं बेसिक चीज़ बताता हूँ। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये डिवाइड में भी लगता है सेम यही है और मल्टीप्लाई में भी सेम यही है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई में होता है। नंबर एक का बता रहा हूँ, ये माइनस थ्री को थ्री से डिवाइड करेंगे। पहले थ्री थ्री को डिवाइड करेंगे, या देखिए माइनस इंटू प्लस तो ये साइन आ जाएगा। क्या होगा, माइनस इंटू प्लस तो माइनस इंटू प्लस तो आ जाएगा यहाँ माइनस। उसी प्रकार बी में माइनस इंटू माइनस प्लस, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस। उसी प्रकार से प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका अगर दोस्तों अगर प्रॉब्लम है तो फिर से एक बार बैक करके फिर से देख लीजिए इसको और इसको समझिए किसी तरह से आप। माइनस इंटू माइनस फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला लगेगा। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस फिर माइनस होगा। यहाँ पे अगला बनाते हैं, जी बताए तो यहाँ जी बता दिए दोस्तों। नेक्स्ट बता रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू बताने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये वाला चीज़ ना आप एक बार लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर टू में इसका फुल यूज होने वाला है। चलिए रखते हैं, तो टू नंबर बता रहा हूँ। टू का ए, पहले देखिए 36 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो पहले एक बार क्वेश्चन उत्तर लिख दोस्तों, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं क्योंकि तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ क्या, 36 को 9 फोर जा 4 होगा और माइनस इंटू प्लस माइनस 4 होगा। समझ में आएगा दोस्तों। बी नंबर में 125 को 5 से करेंगे तो 25 होगा और प्लस इंटू माइनस को तो यहाँ भी माइनस होगा। सी नंबर में इतना को 25 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 215 है ना, 215 आएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, प्लस हम लोग नहीं लिखते। आगे डी बता रहा हूँ, यहाँ देखिए 17 2 जा फिर 17 2 जा, तो अब प्लस इंटू माइनस माइनस। उसी प्रकार से ई नंबर में 12 कितना बार कटेगा दोस्तों, तो 12 9 जा और प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। जीरो को कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है, इसमें कोई प्लस माइनस का झोल झापे नहीं। उसी प्रकार से एफ बना दिए जी, 3000 को 100 से मल्टीप्लाई करना, 10 20 12 काट देंगे तो 30 बच जाएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। दोस्तों आप डिवाइड तो कर लेते हैं ना, डिवाइड करने के मैं माइनस प्लस लगवा रहा हूँ आपको, है ना। 144 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस नहीं लिखते हैं। आई नंबर में 48 को 16 64 4 बार में कटेगा, प्लस इंटू माइनस तो माइनस होगा। जे नंबर में 1331 11 से, तो 11 कितना बार में कटेगा, 11 1 जा फिर 11 2 जा फिर 11 1 जा, तो दोस्तों हम लोग को आ जाएगा कितना, 11 1 जा 11 1 जा 11 11 2 जा फिर 11 1 जा और माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। दोस्तों प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं, लिख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लस नहीं लिखते हैं तो प्लस ही माना जाता है। उसके बाद है फाइन फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, यहाँ ब्लैंक्स को भरना क्या आएगा। तो थ्री का ए नंबर बता रहा हूँ, माइनस 93 को किससे डिवाइड करेंगे जो माइनस 93 होगा। दोस्तों एक ही ऐसा संख्या है जो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 1 है, इसलिए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। बी नंबर में 17 को माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 ही होगा और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर में कौन चीज़ को 8 से डिवाइड करने से जीरो होगा, तो दोस्तों एक ही संख्या है और जीरो ही जीरो कर देता है। उसके बाद डायस को 1 से डिवाइड करने से तो माइनस 42 को, क्योंकि 42 को 1 से डिवाइड करना 40 होगा, 42 होगा और माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ। ई नंबर में है माइनस 65 को किससे डिवाइड करेंगे जो 1 होगा, तो दोस्तों क्या माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तब ना माइनस इंटू माइनस, सॉरी माइनस, अगर यहाँ 65 रहता तब माइनस 1 से करते हैं, तो किससे करेंगे तो माइनस किससे करेंगे तो 65 से डिवाइड करेंगे,
है ना। तो 65 से 65 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों का शेयर कीजिएगा। थैंक यू।